जीओसी 9 डिवीजन मेजर जनरल जुल्फिकार अली भट्टी की सरबराही में जिला बनो में से उलो अस्करी हुकाम और सरकदा मशरान पर मुश्तमिल ग्रैंड जरगा हुआ। जरगे में इलाकाई अमनो इस्तेहकाम की क्याम बाहमी हमांगी के फरोग और दहशत गर्द अनासिर की रोकथाम के लिए मौसर तजावीज पर मुशावरत की गयी। जीओसी 7 डिवीजन मेजर जनरल आदिल इफ्तिखार वड़ाइज ने बिरानशाह प्रेस क्लब का दौरा किया, जहाँ उन्होंने सहाफियों से मुलाकात में सोशल मीडिया के मनफी प्रोपेगंडो के खिलाफ किरदार अदा करने और माशरे के मस्बत पहलुओं को उजागर करने के लिए इकदाम पर तबादले ख्याल किया। कमांडेंट बाजोड़ स्काउट्स की ज़ेरे क़ियादत मकामी मलकु मशरान पर मुश्तमिल जरगा हुआ। जरगे में इलाके में बुनियादी सहूलियात को बेहतर बनाने और बाहमी हमाहंगी के फरोग के लिए मुशावरत की गयी। ब्रिगेड कमांडर लकी मरवत ने मकामी सहाफियों से मुलाकात में तालीम की अहमियत और जरूरत के मुतालिक लोगों में शऊर उजागर करने, इलाके का मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने लाने और फेक न्यूज की रोकथाम के लिए इकदाम पर तबादले ख्याल किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज के ज़ेर एहतमाम बाचा खान यूनिवर्सिटी चारसद्दा में राउंड टेबल डिस्कशन का एहतमाम किया गया। मुकम्मल तालीम मुख्तलिफ कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के अहदेदारान पर मुश्तमिल इस कॉन्फ्रेंस में तालीम के फरोग के लिए इकदाम पर रोशनी डाली। डिप्टी ब्रिगेड कमांडर डी आई खान ने कमिश्नर और सिविल इंतजामिया से मुलाकात की। मुलाकात में आने वाले दिनों में इंसदादी पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए इकदाम पर मुशावरत की गयी। पिशावर में मकामी कमांडिंग अफीसर ने तहसील मथरा और शालम के मुआज़्ज़िज़ीन इलाका से मुलाकात की। मुलाकात में इलाके में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए बाहमी हमाहंगी के फरोग और दीगर सिक्योरिटी उमूर के मुतालिक बातचीत की गयी।